बार एसोसिएशन के चुनाव ही संपन्न हुए हैं, जहां संपन्न होने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। ये आपको भी दिखाते हैं नई कार्यकारिणी में किसको जीत का सहरा मिला है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें निवाणी बार एसोसिएशन की नहीं है, बल्कि यह तस्वीरें कलेक्टेड बार एसोसिएशन के हैं। निवाणी बार एसोसिएशन के साथ कलेक्टेड बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया को भी बीते दिन मतदान व मतगणना के चलते बंद करा दिया गया। देर शाम बार एसोसिएशन के बाद से चुनाव के मतों की गणना हुई, जिसमें अध्यक्ष पद पर मनीष यादव ने अपने प्रतिद्वंदी सर्वेंद्र यादव को 63 वोटों से मात देते हुए जीत दर्ज कराने का काम किया है। सचिव पद पर अरुण मिश्रा ने जीत दर्ज कराई है। उपाध्यक्ष पद पर केके यादव विजयी रहे। ऐसे ही मतों की गणना हुई और विजयी लोगों के नामों की घोषणा हुई। उनके शुभचिंतकों द्वारा जश्न का माहौल बना दिया गया। सभी जीते हुए अधिवक्ताओं का फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यह तस्वीरें किसी बात की गवाही दे रही है। अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कराने वाले दिनेश यादव ने कलेक्टेड बार एसोसिएशन को लेकर क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। अध्यक्ष पद पर कलेक्टेड जिला बार एसोसिएशन। अच्छा, आपको अब हम वकीलों के हित कर कार्य करेंगे, जो भी होगा आगे जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे, उन्हें हर प्रकार का लाभ दिलवाएंगे, कोई उनकी किसी समस्या का है उसका समाधान और उनके हितों के लिए ही कार्य करें। एक बार मैं रह चुका हूँ अध्यक्ष, तो उन्होंने अपनी उम्मीदों से ही तो मुझे चुना है, तो मैं उनकी भी उम्मीदों पे खरे उतरूँगा, काफ़ी अच्छा उनके लिए साबित करूँगा और बहुत बढ़िया उनके लिए अपना करके दिखाएंगे, जो आगे भी हमें वो मौका दें